नेक्स्ट है हमारा शक्ति ही हो माया या प्रथम। ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है बन सकता है। तो इसके अंदर हमसे पूछा है कि शक्ति के रूप, शक्ति के कितने रूप बताए गए हैं, या फिर मुख के माध्यम से पूछ सकता है कि शक्ति के रूप बताइए, इसे आयाम भी कहा जा सकता है, शक्ति के आयाम बताइए या फिर शक्ति के प्रकार बताइए। तीनों का एक ही मतलब है, तीनों में से अगर कुछ भी आता है, अगर रूप पूछता है या फिर आयाम पूछता है या प्रकार पूछता है, तीनों की सिचुएशन तीन रूप की आपको लिखना है। शक्ति के तीन रूप बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला है राजनीतिक शक्ति, दूसरा है आर्थिक शक्ति और तीसरा है विचारात्मक शक्ति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि राजनीतिक शक्ति क्या होती है, आर्थिक क्या होती है और विचारात्मक शक्ति क्या होती है। जिसके अंतर्गत राजनीति से संबंधित वार्तालाप, राजनीति को ध्यान में रखते हुए कार्य किए गए वो सब कुछ में आ जाएगा राजनीतिक शक्ति। और जिसके अंदर आर्थिक शक्ति संपन्नता की बात की जाए, आर्थिक से बात करिए यहाँ पर किससे है, पैसे से। जो रुपये पैसों से संपन्न व्यक्ति है वो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, विकसित, पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से वो क्या है, संपन्न है। उसके पास पैसों की कमी नहीं है, वह व्यक्ति आर्थिक शक्तिशाली है। और जिन व्यक्तियों के अंतर्गत विचारात्मक शक्ति के भाव होते हैं, जो कि विचारों का जिनके पास समूह होता है, जो व्यक्ति अपने विचारों से दूसरे को प्रभावित करते हैं, वह किसका आएंगे, विचारात्मक अंतर्गत आएंगे। तो अब हम इसमें पहला पढ़ेंगे राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति किसे कहते हैं, समाज के मूल्यवान संसाधन, मूल्यवान जो कि इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा मूल्य के हैं, जिनके पैसे ज़्यादा हो सकते हैं या फिर उनका मूल्य बहुत ज़्यादा है ना, वो ऐसे संसाधन जैसे कि पद प्रतिष्ठा। किसी का पद है, पद अपने आप में एक मूल्यवान है। अगर कोई प्रिंसिपल है स्कूल के अंदर तो उसका पद कैसा है, बड़ा है। अगर हम राजनीति की बात करें तो राष्ट्रपति का पद अपने आप में सबसे बड़ा है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्र। उसी प्रकार से राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्य का, तो उसका क्या है, पद बड़ा है। प्रतिष्ठा यानी कि उसकी समाज में कितनी वैल्यू है, प्रतिष्ठा कितनी है, कितने लोग उसको जानते हैं, कितने लोगों से वो मिलता जुलता है, उसकी प्रतिष्ठा कितनी है, विस्तृत रूप से फैली हुई है। कर, कर हम देते हैं टैक्स देते हैं, फिर है पुरस्कार और दंड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन, यानी उनको बांटना, उनके पद प्रतिष्ठा के अनुसार, पुरस्कार के अनुसार, दंड के रूप में व्यक्ति को क्या करना है, विभिन्न समूहों में समाज के जो छोटे बड़े समूह जो हैं उनमें उनको बांटना, क्या कहलाएगा, राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग, आपको पता है सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के तीन, पहले भी हम 11th में पढ़ चुके हैं सरकार के तीन अंगों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है व्यवस्थापिका। आप जानते हैं व्यवस्थापिका क्या करती है, व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कानूनों को बनाती है कि किस प्रकार से व्यवस्था करनी है हमारे देश की, समाज की सुचारू रूप से चलाने के लिए नए नए कानूनों को बनाने का काम किसका है, व्यवस्थापिका के अंतर्गत। व्यवस्थापिका का कार्मिक है व्यवस्था कार्यपालिका, कार्यपालिका उनका करके क्रियान्वित, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी समाज के लिए या देश के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है उसको सुचारू रूप से संचालित करना।
समाज में अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंड दिया जाए, ये कार्य आता है न्यायपालिका। तो ये तीन जो अंग है सरकार के, सरकार के तीन अंग हैं, व्यवस्था, विकास, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों के पास जो शक्ति दी गई है, उनको जो ये शक्ति प्रदान की गई है वह कैसी शक्ति है? औपचारिक शक्ति है। इसे हम औपचारिक बात करते हैं, औपचारिक शक्ति की बात करते हैं, क्योंकि इनके बिना सरकार जो है सही प्रकार से शासन संचालन नहीं कर सकती। ये तीनों अंग होना आवश्यक है, इसीलिए इसे औपचारिक अंग भी कहा जाता है। इनके अलावा बहुत से ऐसे दबाव समूह होते हैं जो अपना दबाव बनाकर किसी के ऊपर कार्य को करवाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल समाज के अंदर ऐसे बहुत से दबाव समूह चल रहे हैं, राजनीतिक दल हैं, बहुत से राजनीतिक दल हैं, कोई एक ही राजनीतिक दल नहीं है, ऐसे बहुत से दल हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता पार्टी है, जनता पार्टी है, इसके अलावा बहुत सी और भी पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं। तो राजनीतिक दल प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे समाज में बहुत विकसित प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं जिनकी पद प्रतिष्ठा अपने आप में बड़ी है, जो समाज का नेता हो सकता है, समाज के कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार से लोगों का चुनाव किया जाता है, वह एक क्या कहलाते हैं? प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, जो समाज में चल रहे कार्य, जितने भी कार्य हो रहे हैं समाज के अंदर, और वह सरकार की नीतियों से जुड़े हुए हैं, सार्वजनिक नीतियाँ सरकार की नीतियों से जुड़े हुए हैं, उन कार्यों को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं, तो वो सब भी किसमें आते हैं? राजनीतिक शक्ति के अंदर। परंतु ये सब दबाव समूह, राजनीतिक दल, प्रभावशाली व्यक्ति जो कि सार्वजनिक नीतियों क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये अनौपचारिक अंग, ये सरकार के कैसे अंग है? अनौपचारिक। जबकि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये कैसे हैं? औपचारिक। अब आप पूछोगे कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? आपको 11 में ही बता चुके हैं औपचारिकता क्या होती है। जिस प्रकार से औपचारिकता यानी कि आप क्लास में आए हो, बैठे, बच्चे स्कूल आते हैं, समय पर उनकी अटेंडेंस होती है, उनको रोज पढ़ाया जाता है, उनको टाइम टाइम पर होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क की चेकिंग होती है, क्लास टेस्ट होते हैं, ये सब किसमें आएंगे? ये सब आपके औपचारिकता में। जबकि अनौपचारिकता क्या होती है? जैसे घर बैठ के प्राइवेट पढ़ाई करना है ना, फॉर्म भर देना, स्कूल नहीं जाना, अटेंडेंस की कोई चिंता नहीं है, कोई क्लास टेस्ट देना नहीं, डायरेक्ट जाके फाइनल एग्जाम देना, वो किसमें आते हैं? अनौपचारिकता में आते हैं। इसी प्रकार से ये राजनीति के अंतर्गत अंग बताए गए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिकता के अंदर आपके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन अंग जो है औपचारिक रूप से कार्य करते हैं, जबकि अनौपचारिक रूप से दबाव समूह हैं आपके, राजनीतिक दल हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ये सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करवाते हैं। ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके अनौपचारिकता में आते हैं। दूसरा शक्ति जो बताई गई है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति मैंने आपको पहले बताया, जैसे आर्थिक शास्त्र तात्पर्य क्या है? आर्थिक शास्त्र तात्पर्य है व्यक्ति पैसों से संपन्न हो, उसके पास अर्थ की अच्छी व्यवस्था हो, पैसा कौड़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामी हो। ऐसे व्यक्ति जिनका उत्पादन के साधनों पर और धन संपदा पर पूर्ण रूप से स्वामित्व हो, स्वामित्व यानी कि वह सब कुछ उसी का हो, वो सब किस में आते हैं? आर्थिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक शक्ति अनेक प्रकार से राजनीतिक शक्ति को भी प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं? आर्थिक रूप से जो व्यक्ति शक्तिशाली है वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होगा, कि जिसके पास अर्थ है वो अर्थ के माध्यम से। अब आप देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, कोई व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा होता है, खड़ा होने के साथ साथ उस व्यक्ति को चाहिए कि उसके पास पैसा भी होना चाहिए, तभी तो वो अपना प्रचार प्रसार करवा सकेगा, लोगों को इकट्ठा कर सकेगा, गाड़ियां बुला सकेगा, गाड़ियों के अंदर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचार प्रसार के लिए भेज सकेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी रखता है? उसके लिए जरूरी रखता है पैसा।
आर्थिक। अब जो आर्थिक रूप से संपन्न है वह व्यक्ति कैसा है, वह राजनीतिक रूप से भी संपन्न माना जाता है। इसी के अंतर्गत उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में से बहुत से तत्व बताए गए हैं, जिनमें आपस में क्या रहती है, आत्मनिर्भरता रहती है, एक दूसरे पर वह निर्भर बताए गए हैं, जिनमें आपस में एक दूसरे पर निर्भरता रहती है और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति अगर आर्थिक तत्व ही है तो वह उसको पूर्ण रूप से राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं कर सकेगा, उसके साथ साथ उसका दूसरे लोगों के साथ जुड़ाव भी होना जरूरी बताया गया है। इसके अंतर्गत मार्क्सवादी मानते हैं कि सभी तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है। जो भी दूसरी शक्तियां हैं वो किस पर टिकी हुई हैं, आर्थिक शक्ति पर, क्योंकि बिना आर्थिक शक्ति के दूसरा कार्य कराना पॉसिबल नहीं होता है। आर्थिक शक्ति समाज में राजनीतिक शक्ति को भी निर्धारित करती है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है वह समाज में अपनी मान संपदा प्रतिष्ठा आदि में बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर होता है। मार्क्सवादी जो है वह उसके अंतर्गत साम्यवादी राज्य में निजी संपत्ति उत्पादन के निजी स्वामित्व पर रोक के बावजूद राजनीतिक रूप में ताकतवर का एक नया वर्ग अस्तित्व में बना रहा, जिसे स्पष्ट है कि मार्क्सवादी ये धारणा सत्य नहीं है। मार्क्स ने जो धारणा दी है वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कि जो मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स कहता है कि निजी संपत्ति और उत्पादन के निजी स्वामित्व के रूप में उसका स्वामित्व उसके पास क्या होना चाहिए, राजनीतिक रूप से विकसित होना चाहिए, जो कि आर्थिक शक्ति को पूर्ण रूप से संभव नहीं बताता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है विचारात्मक शक्ति। विचारात्मक शक्ति से क्या तात्पर्य है, विचारात्मक शक्ति से तात्पर्य है विचारों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर हम अपने दृष्टिकोणों का विकास कर सकें। कहने का तात्पर्य यह है, विचारात्मक शक्ति से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंतर्गत इस प्रकार के विचार होने चाहिए कि जिन विचारों से वो लोगों को प्रभावित कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके विचारों से प्रभावित हों और उसके बारे में उसको समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अपने विचारों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था महात्मा गांधी जो थे अपने आप में ही एक पूर्ण व्यक्ति थे, जो कि अपने विचारों से आगे अपने सामने वाले को अच्छी तरह से प्रभावित कर देते थे और वह व्यक्ति उनके विचारों में आ जाता था और उनको अच्छी तरह से सोचने समझने को प्रभावित करता था, उनकी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता था। तो इसके अंदर ऐसे सोचने समझने के ढंग को विकसित करना तथा उसको प्रभावित करना, व्यक्ति को आगे अपने सामने वाले व्यक्ति को अपने विचारों से क्या करना है, प्रभावित करना है, वो सब किसमें आ जाएगा, विचारात्मक शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। यह विचारधारा किसी व्यवस्था के लोगों की दृष्टि से उचित ठहराती है, इसीलिए उसे वैधता प्रदान करती है। बहुत से देश हैं जहाँ पर जिसे भिन्न भिन्न प्रकार से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं और उन्हें उचित ठहराने के लिए उदारवाद, साम्यवाद और समाजवाद, एकात्म मानववाद इत्यादि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। लेकिन कोई विचार किसी विशेष परिस्थिति बदल जाती है, कोई ऐसा विचार है किसी विशेष परिस्थिति में वह क्या हो जाता है, वह सामाजिक एक नई परिस्थिति को जन्म देता है। जब एक नई परिस्थिति को जन्म देता है तो उसकी विचारधारा जो है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में, कालांतर में, यानी आज के समय में परिस्थिति बदल चुकी है, तर्क की दृष्टि से विचार पुराना पड़ जाता है, परंतु कुछ लोग उस विचार को बनाए रखना चाहते हैं
क्योंकि उसके साथ अनेक स्वार्थ जुड़े होते हैं। यह वर्ग इसे बचाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग भी करते हैं। ऐसे बहुत से समाज के अंतर्गत हम देखते हैं, बहुत दूसरे देश है जो कि अपने विचारों को बनाए रखने के लिए किसका सहारा लेते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं ताकि अपने विचार बने रहें। इसी के अंतर्गत मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद साम्यवाद के नाम से पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। मार्क्सवादी विचारधारा जो थी वह साम्यवाद पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत ऐसे बहुत से लोग हुए पूंजीपतियों ने अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए, अपने लाभ को पूरा करने के लिए बहुत से जो निम्न वर्ग थे उनको क्या कर दिया, मार भी दिया, जिसके अंतर्गत मार्क्स अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जो हमारा विचारात्मक शक्ति से तात्पर्य है विचारों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण प्रभावित होते हैं, या फिर लोगों के हमारे विचारों को सुनने के बाद, उसको जानने के बाद लोगों में जो सोचने समझने की जो एक नई दिशा बनती है, जो एक नए ढंग से प्रभावित होती है लोगों का दायरा, उसको प्रभावित करती है। तो ये था हमारा आज शक्ति के विभिन्न रूप या फिर आया या फिर प्रकार कुछ भी कह सकते हैं। यह एक ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के अंदर आता है, ये तो आप के अंदर तो आएगा नहीं आएगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इसमें राजनीतिक शक्ति बताई गई है, आर्थिक शक्ति बताई गई है और विचारात्मक शक्ति बताई गई है। इसके आगे ही क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे।